हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज एग्जाम देके मैं आ चुकी थी। कम ऑन बेबी, एंड चलो। सो आज हमने सोचा, वन वीक हो गया है हमारे लास्ट शूट को, चलो शूट कर लेते हैं, बिकॉज बहुत नीडेड रहते हैं। पहले तो बहुत टाले, बट अब करना बहुत जरूरी है। और आज मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। 4 डेज से हेयर में ऑयल लेके घूम रही हूँ। काफ़ी केयर की, नेल पेंट्स लगाया के अच्छा सा, फेस पे भी लगाया कूल सा, काफ़ी ज़्यादा सारी केयर कर ली। अब बस नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलते हैं। और मैंने एक प्यारा सा ड्रेस निकाला उसमें। ओके बाय। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ नहा के। एंड गाइस, आप देख सकते हैं हम दोनों ने आज हेयर वॉश किया है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सा ड्रेस आज वेयर करके शूट कराऊँगी। एंड देखिए, नेल पेंट जो मैंने आपको बताया था, मैंने नेल पेंट लगाया, नहाते में क्या हाल हो गई, मतलब मेरे यही काम है। चलो ओके, कोई नहीं। सो गाइस, आफ्टर आई कम टू बाथ। एंड गाइस, अभी मैं ट्रांजिशन बनाना, इसलिए मैंने ये ड्रेस अप ले लिया। अदरवाइज मेरा क्या हो रहता है, मैं तो नहा कर ही जो ड्रेस पहन के कहीं जाना रहता है वो ही जाती हूँ। अदरवाइज मैं कभी ऐसे नहीं करती कि मुझे बहुत ज़्यादा पहले से वो करूँ। अभी मैं ट्रांजिशन के लिए मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। और ये शॉर्ट्स हमारी छुटकी का है, मैं कभी नहीं पहनती, बट आई विल ट्राई। एंड कुछ भी नहीं, आपको ड्रेस भी दिखा देती हूँ। कम ये ड्रेस आज हम वेयर करने वाले हैं, ये प्यारा सा, एक ऊपर टॉप है और नीचे ये है। और ये रहा मेरा कॉम, और मैं अपनी सिरम निकाल लेती हूँ, सिरम लगा के बालों को वो कर लूँ और अपने कपड़े डालाऊंगा। आप में से कौन कौन लोग हैं जो अपने कपड़े खुद धुलता है? मैं तो खुद ही धुलती हूँ। एंड ओके बाय। सो जैसे कि अभी मैं अपने रूम में आ गई थी, मैंने सोचा यहाँ पे लाइव कर लेती हूँ, बिकॉज देखो ऐसा भी हो वर्क पहले। और देखिए, मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया, यू कैन सी माई हेयर। आज मैंने एक रेमेडी की थी अपने हेयर में काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मैंने अपना स्ट्रेटनिंग का पूरा केयर छोड़ के अपने हेयर को नॉर्मली वो कर लिया है। एंड गाइज, अभी मैंने 2 ट्रांजिशन भी शूट कर लिए, आपको ट्रांजिशन भी मेरे अकाउंट पे देखने को मिलेंगी। तो अभी मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं, बाय। और अभी मेरा लाइव हो गया था, मैंने सोचा थोड़ा लंच कर लेती हूँ, 3 बज गए हैं। मैं हमेशा लंच 3 बजे ही करती हूँ, सो वो देखते हैं मम्मी ने क्या बनाया है, लेट्स सी। एंड गाइस, अब टाइम हो गया है लंच करने का, एंड अभी मैं लंच करने वाली हूँ। एंड आपको दिखाती हूँ लंच में क्या क्या है, सो लेट्स सी। सो गाइज, मेरे यहाँ लंच में है लौकी, मच्छा, रायता, सॉरी फैला लिया, और 2 बिना चुपड़ी रोटी, पापड़। मैं चुपड़ी रोटी नहीं खाती हूँ, तो मैं जल्दी से इसे फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा वॉक कर लूँगी 15 मिनट, उसके बाद सो जाएंगे और फिर हमें और जाना है। श्योर। सो गाइज, मैं सो चुकी थी 2 घंटे के लिए, बीच में सो गई थी। और अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, स्किन रेडी है। अब मैं इस पर थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ, जस्ट लाइक नॉर्मल सा टचअप, ओनली सरा सा लाइट चली गई, नहीं आपको दिखाती। सो गाइज, मिलते हैं तैयार। सो मैं रेडी हो गई थी, मैंने ज़रा सा ही वेस्ट लगाया था, इतना नॉर्मल, ये रिंग लाइट से इतना लग रहा है। एंड मेरा ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा हेयर स्टाइल सिंपल सा है एकदम, भैया बस पैटर्न डला के आ जाए फिर हम लोग निकलते हैं। सो लेट्स सी, मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट। सो गाइस, दिस इज़ माई ड्रेस जो कि मैंने आपको दिखाया था। एंड गाइस, शूट अच्छा ही होगा, इस बार मैं दिखा देती हूँ, बहू चल तो हम लोग निकलते हैं। सो हम लोकेशन पर आ चुके थे, एंड अभी फोटोग्राफर भैया आने में टाइम है, मैं आपको दिखाती हूँ लोकेशन यहाँ से। ये रही हमारी लोकेशन, और ये रहे सम्राट, वो हमारी रही स्कूटी। यहाँ से आते हैं, ये पूरा सराउंड, ये हील्स ने ना मेरे पैरों को अंदर से गर्म कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी फोटोग्राफर आए, जल्दी पिक्स लें, जल्दी ट्रांजिशन शूट करें और घर जाएँ। आप देख सकते हैं सराउंड को, यहाँ से दिख रहा है हमारा सराउंड। तो ये प्लेस हमारे सराउंड में बहुत खूबसूरत है, हम लोग बहुत कम आते हैं, बिकॉज कहते हैं सेफ नहीं है, बस सम्राट है तो हर जगह सेफ है। आई एम राइट, माय डार्लिंग पहलवान है। सो गाइस, हम यहाँ पे करेंगे ट्रांजिशन शूट, लेट्स स्टार्ट। एंड यू कैन सी, यहाँ से हमें सारा सराउंड दिख रहा है, और ऊपर मैन है। बट मैं सोच रही थी मैं जीने पर ही शूट कराऊँगी, और यहाँ पर कोई शादीशुदा जोड़े भी आए हैं, आप देख सकते हैं जो कि ऊपर दिख रहे हैं। इन अंकल के छोटे बहू बेटे आए हैं, जो कि ऊपर से चल के आ रहे हैं, आपको दिख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी हाउ कैन, एंड यू कैन सी एंड वॉच। मैं काफ़ी थक गई थी, काफ़ी मेरी सांस फूल गई थी गाइस, इट्स नॉट ए ईजी
भी एज अ क्रिएटर लोगों को लगता है इजी नहीं है ये डेली का शूट, मैं इसलिए इन शूट से बचती थी, डेली का नहीं। बट यहाँ पे आप हमारे सरौंज को देख सकते हैं, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये हमारा सरौंज आपको दिख रहा है, ये शूट चल रहा। हम लोग ऊपर आए थे थोड़ा ऊपर का फूल लेने, ये मैडम थक गई है, मैं तो बहुत दूर थक गई वहाँ से। कैमरा मैन ऊपर है, सम्राट ऊपर आओ। ओ भाई इग्नोर गाइस, यहाँ से व्यू देखिए, वाओ ये चनाब आ रहे हैं यहाँ से, देखिए लुक लुक करते भैया, देखते हैं थक गए हुआ नहीं हो रहा, एक दो रील बनाएंगे घर जाएंगे, चलो पिक्चर देखते हैं अपन। हाँ ओके, अब जरूर नहीं आ रहा इस प्लेस पर, आज का शूट हो रहा है। आप लोगों को अगर चेक करने हो तो इंस्टा पे जाके पिक्चर्स चेक करिए, राइट देखे पिक्चर्स। सो ऐसे आज का हमारा डे आउट ख़त्म होता है, पिक्चर्स वीडियो सब बना लिए हैं, अपलोड करेंगे, आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और ये हमारा सामान दिख रहा है और अब हम घर जा रहे हैं, बाय।